अब आती में से एक सवाल आया कि किसी चीज़ को जब तक अमल में नहीं लाते तो हमको गुनाह नहीं मिलता, तो किसी के जहन में जिना का ख्याल आए तो क्या वो गुनाहगार होगा या नहीं होगा? तो देखिए, किसी चीज़ को इंसान जो गुनाह की है अगर अमल में जब तक नहीं लाता, जब तक उसको उसका गुनाह नहीं मिलता, ठीक है, तो लिहाजा किसी गुनाह को अगर आपने नहीं किया है तो उसको अंजाम भी मत दीजिए और उसको बोलिए भी मत, तो इंशाल्लाह आपको गुनाह नहीं मिलेगा। तो सोच पर मोमिनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी सोच पर पकड़ नहीं करता, लेकिन एक सहूलत ज़रूर देता है कि किसी गुनाह का इरादा करे, समझ रहे आप, गुनाह का इरादा करे और अल्लाह के लिए वो गुनाह ना करे और छोड़ दे तो एक नेकी मिल जाती है आपको, उसके बदले फ़ायदा ये है। गुनाह का इरादा कर अल्लाह के लिए छोड़ दिया तो आपको क्या मिल गई, एक नेकी। उसी तरह किसी अच्छे काम करने का इरादा करे और अगर आप नहीं भी कर पाए तो अच्छा इरादा करने की भी आपको एक नेकी मिल जाती है। तो क्या बुरे इरादे को अल्लाह के लिए छोड़ना नेकी देता है और अच्छे इरादे को अल्लाह के लिए करना भी आपको एक फ़ायदा देता है। तो बहरहाल जब तक आप ना बोले, सोच पर हमारी अल्लाह ताला पकड़ इंशाल्लाह अजीज नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कातो सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।